राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आह्वान पर जिलों में चल रहे देशव्यापी किसान महापंचायत के तहत शिवनी में भी किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें 7 सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्य सहित शिवनी के किसान नेता शामिल हुए। शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी, पूनम पंडित अंतर्राष्ट्रीय शूटर, रवि दत्त, राहुल राज, आराधना भार्गव, अरविंद चौधरी सहित सिवनी जिले की सीमा से लगे मंडला बालाघाट नरसिंहपुर सिवनी के कई किसान नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय किसान मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने सभा के पहले स्थानीय कृष्णा लॉज में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तीनों कृषि बिल की खामियों को बताते हुए बिल को किसानों के लिए डेथ वारंट बताया। वहीं 101 दिनों से धरना आंदोलन कर रहे मीडिया प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि कोरोना का बहाना बताकर हमारे आने वाले अतिथियों को बॉर्डर में रोक दिया गया। शिवराज सरकार ने एक प्रतिनिधि भेजकर जिला प्रशासन पर दबाव डालकर किसान की महापंचायत को विफल करने की पूरी कोशिश की। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। और 23 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसने हस्ताक्षर किए कि किसानों की फसल को हम धीरे धीरे करके समर्थन मूल्य पर लेना बंद कर दिया। अब वो हस्ताक्षर जब बंद हो गए तो अपनी एक देहाती कहावत है, मतलब गांव के लोग हैं कि जब कोई ढोल मर जाता है जानवर तो चील कौवे ऊपर आसमान में उसके मांस को खाने के लिए घूमते। तो ये 16 लाख करोड़ का सबसे बड़ा दुनिया का व्यापार है भारत की कृषि। इस 16 लाख करोड़ पर निगाह अडानी और अंबानी की आई। उन्होंने 2015 से भारत के अंदर बड़े बड़े गोडाउन, बड़े बड़े साइलो पूरे भारत में बनाना चालू कर दिए। तब तक हमको नहीं आया समझ में, मेरे गांव के पास 400 साइलो बने हुए हैं जिसमें हजारों मेट्रिक टन अनाज भरा जा सकता है। हरियाणा में रेलवे ट्रैक भी लगाया, उन्होंने खुद का बना दिया रेलवे ट्रैक। तो अडानी अंबानी अचानक ये पूरे भारत में गोडाउन क्यों बना रहे हैं? दूसरा 10,000 मॉल जिसमें सामान मिलेगा भारत के हर शहर में, ये लगा रहे। यही चाह है जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, माननीय मोदी जी बिल वापस कर ले और सह सम्मान जितने किसान आंदोलन कर रहे हैं सभी अपने घर चले जाएं और इस आंदोलन में जितने भी हमारे किसान बुजुर्ग बड़े भाई शहीद हुए उन्हें शहीदी का दर्जा दे सह सम्मान से, क्योंकि जब जब कोई आंदोलन हुए है तो आंदोलन में जो शहीद होते हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए। टिकरी बॉर्डर में गोल्ड इंडिया न्यूज आप लोगों के बीच में दिल्ली में भी पहुंचा था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चीफ एडिटर सलीम रहमान ने वहाँ आप लोगों के बीच में पहुंचकर रिपोर्टिंग किया था। आप ठंड का मौसम बिता दिया, गर्मी दस्तक दे दी, इसके बाद बारिश आएगी। अगर सरकार नहीं मानती है आपके बिल वापस लेने की बात, तो आप कितने मौसम बिताएंगे? जो मौसम होते हैं हमारे शरीर के अंदर पहले से ही बीते हुए होंगे किसान के अंदर, तो जब तक चलेगा ये 2021 चल रहा 22, 23, 24 तक बैठेंगे फिर तो यही नहीं होंगे। इसलिए कि ये बिल वापस करने के लिए जोर लगावे हम और इन्हें देखना पड़ेगा हम नहीं करेंगे ये कहने के लिए। अगर इनका यही रवैया रहा, अड़ियल रवैया रहा, तो यही नहीं बचेंगे फिर इसलिए, क्योंकि जब जब कोई आंदोलन हुआ है या हमारे अन्नदाता की कोई बात आई है या किसी भी विषय पर सरकार जब ज्यादा हट अड़ियल रवैया अपना रहे जिस तरीके से सरकार अब कर रही है प्रेजेंट टाइम में, तो फिर हम उस सरकार को क्यों चुनेंगे? इसी मैटर में 2013 में हमने क्यों कांग्रेस को पीछे करा, इसीलिए करा ना, यही कारण। तो जब जब कोई सरकार ऐसी होगी या किसानों की कोई बात हो या युवा की हो, कोई भी ऐसी बात हो, हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम किस लिए बिठा हुए हैं उन्हें? हमारी बात सुनने के लिए, हमारा पक्ष रखने के लिए और निष्पक्ष काम करने के लिए बिठा हुए हैं ना। जब ये नहीं सुनेंगे तो सीधी सी बात है। आप सुना है, मैंने आपके वीडियोस भी देखता रहता हूँ मैं, कि आप यूपी के बहुत छोटे से गांव से, आप इससे छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति प्राप्त की आपने शूटिंग में, ऐसा कौन सा कारण था कि आपको किसानों की ओर खिंचाव हो गया, आप किसानों के बीच में आ गए? हम अन्न खाते हैं,
छोटे से गांव से भेज सको, लेकिन बुद्धि तो समझ तो है ना। हमारे गांव के जो लोग हैं वे भी किसान हैं, किसानी करें, खेती करें। मेरे ताऊ चाचा मेरे परिवार में खेती हो गए, अन्न तो खाना है ना। तो कितने बड़े मंच, मैं आपको बता दूं, सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा ही मंच किसानों का होता है। और इस पे आने के लिए कुछ वो नहीं है कि हमें पता कि हमारे खावे, हमें अन्नदाता को सहयोग करना, इनकी उगाई हुई फसल को हम खावे। और दूसरा, मेरे परिवार में भी, मेरे गांव में, समाज में, मेरे सब खेती करें। मैंने 9 साल की उम्र में अपनी माँ का सहयोग कर रखा खेती में, तो पता हमें कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत हो, मैं जो फिलहाल चल रही है वो भी पता। तो करना चाहिए देश की जनता को सहयोग, जैसे कि सहयोग कर रही है जनता, हर व्यक्ति को करना चाहिए जो अन्न खावे। हम तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं जी, आप आंदोलन को सहयोग करें। जो अन्न नहीं खाते हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, आप अपने घर बैठे। जो अन्न खाते हैं उनसे आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप किसान आंदोलन को सहयोग करें, किसानों को सहयोग करें। जब जब किसानों पर कोई परेशानी आवे, कोई भी सरकार हो, जरूरी नहीं है यही सरकार जो सत्ता में, कोई भी सरकार जब जब इनके अधिकार को, इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करे, तो देश की जनता से अनुरोध है कि आप सभी अन्न खाते हैं तो उस अन्न का जो आपको सम्मान रखना है, सभी सहयोग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपका ये, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।